जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, परीक्षा तिथि घोषित है, आप सभी जानते हैं 1 से 13 जुलाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आज हम लोग 57वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले 56 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और प्रतिदिन इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 29 विद्यार्थियों की औसत आयु 26 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो कक्षा की औसत आयु 26.4 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो जब कभी हमें क्वेश्चन में आंकड़ों की संख्या और आंकड़ों का औसत दिया हो तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम उनका योग निकालें। और योग का जो फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों, औसत का गुणा आप संख्या से करोगे तो आपके पास योग आएगा और योग बराबर यहाँ पर बनेगा आंकड़ों का औसत। जो क्वेश्चन में दिया 26 एवरेज है और आंकड़े 29 है। अब आप इनका योग निकाल सकते हैं। यदि आप इनका गुणा करोगे तो 754 इनका योग बनेगा। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, तो याद रखिएगा जो हमारे पास योग आया, अब नया योग एक और लेकर आएंगे। नया योग इससे क्या होगा मैं आपको बता दूं, शुरू में 29 लोग थे और औसत कितना था 26। अब यहाँ पर एक शिक्षक की एज भी शामिल कर ली गई, मतलब यहाँ पर आंकड़ों की संख्या 30 हो जाएगी और इनका नया औसत क्वेश्चन में बताया 26.4। ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। 3 का गुणा 264 में करेंगे तो 792 आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारे पास दो योग हैं। आपके पास यहाँ पर 29 विद्यार्थियों का भी योग है और 29 विद्यार्थी और शिक्षक का भी योग है। यहाँ से हमें शिक्षक की एज लाना है तो 792 जो हमारे पास नया योग आया इसमें पुराना योग घटा देंगे तो हमारे पास शिक्षक की आयु बच जाएगी। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 38 वर्ष जो एज बचेगी ये एज शिक्षक की आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक लंबवृत्ती शंकु का आयतन 3000 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई बताना है। क्वेश्चन में हमें आयतन बताया, आयतन दिया है तो यहाँ पर हमें आयतन का फॉर्मूला ही यूज करना है। अब शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पायर स्क्वायर एच होता है। पहले साथियों, आयतन की जगह हमें पुट करना होगा 3080 बराबर 1/3, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का वर्ग आर का स्क्वायर, तो त्रिज्या क्वेश्चन में दिया 7। 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका 2 बार गुणा कर लो और गुणा में इसकी ऊंचाई हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ पर 1 बार का 7 से 7 कट हो जाएगा और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 11 से ये 22 कट रहा है तो 11 दूनी होता है 22 और 11 का भाग इधर 3080 में भी लगाएंगे, 11 दूनी 22, 8 बचेगा 11 8 88 और 0। ये 7 का भाग हम 280 में लगाएंगे, 7 चुकू 28, 0 40 बनेगा और यहाँ पर 2 का भाग 40 में देंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। इस प्रकार फाइनली हमारे पास 20 बराबर 1/3 और गुणा में एज बचा, हमें ऊंचाई का मान चाहिए तो भाग से 3 इधर गुणा में चला जाएगा तो 20 गुणा 3 हो जाएगा 20 या 60। तो इस प्रकार हमारे पास उस शंकु की जो ऊंचाई आएगी 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 12 है, यदि अगली सम संख्या भी ले ली जाए तो नया औसत बताओ।
तो प्यारे साथियों, जब कभी क्वेश्चन में क्रमागत कितनी भी सम संख्याओं का औसत आपको दिया जाए और उसके बाद अगली संख्याएं लेने की बात करें, अगर अगली एक संख्या को ले रहा है, दो को ले रहा है, तीन को ले रहा है और क्वेश्चन में पूछा जाए नया औसत क्या होगा, तो जो पुराना औसत था, पुराना औसत था उसमें जितनी संख्याएं नई ली जा रही है उतना और जोड़ दो। जैसा कि क्वेश्चन में एक संख्या नई ली जा रही है तो 12 में हम एक को और जोड़ देंगे तो ये नया औसत हमारे पास बन जाएगा 13। ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 और 200 के बीच 7 के कितने गुणज हैं। इसका मतलब ये हुआ 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी विभाजित है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। और समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे, 100 से ज्यादा और 200 से कम जो भी संख्या 7 से विभाजित है सबसे पहले वो लेकर आएंगे। तो ऐसा करने के लिए 100 में हम 7 का भाग लगाओ तो यहाँ पर आएगा 7 एकम 7 और 10 में से 7 गया 3 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 7 चुकू होगा 28 और 28 को माइनस करेंगे तो 2 हमारे पास यहाँ पर बचेगा। फाइनली जो शेषफल बचा और जिसका भाग लगा रहे थे 7 माइनस 2, इनका अंतर क्या करेंगे, अब 100 से बड़ी संख्या लाना है तो हम जोड़ देंगे तो 105। 105 क्या है, 100 से बड़ी संख्या है जो 7 से कटेगी। अब हर 7 का डिफरेंस 7 से कटेगा, जैसे कि 112 की बात की जाए और इसके बाद में 112 में 5 जोड़ेंगे तो 117, ये सभी 7 से, यहाँ पर 119, यहाँ पर 119 आएगा और ये सभी 7 से डिवाइड है। अब 200 से छोटी 7 से डिवाइड संख्या भी निकालेंगे तो 200 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 बचेगा, 0 लगाया और ऊपर से 0 उतारा, 7 2 8 2 56, 56 माइनस हो जाएगा तो 4 शेष बचेगा और सीधा क्या करो 200 में से 4 को घटा दो तो 196 हमारे पास अंतिम संख्या रहेगी जो 7 से विभाजित रहेगी। अब यहाँ पर प्यारे साथियों, ये एक समांतर श्रेणी हमारे पास बन चुकी है, इसमें हमें लाना है पदों की संख्या। तो जब कभी कोई भी समांतर श्रेणी आपके पास हो और उसमें पदों की संख्या लाना हो तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना, अंतिम पद, उस श्रेणी का अंतिम पद में से उसका पहला पद आप माइनस कर दो और बटे में हमेशा उस श्रेणी का सार्व अंतर आपको लिखना है और लास्ट में एक जोड़ना है। अंतिम पद क्वेश्चन में हमें मिल चुका है 196 में से घटाएंगे पहला पद यानी 105 को और बटे में इसका अंतर सबदूर 7 का रहेगा और लास्ट में एक जोड़ेंगे। अब 196 में से 105 गया तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 0 गया 9 और यहाँ पर 91/7 और 1 जोड़ देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 7 21 और 1 जोड़ देंगे 13 में, तो 14 ऐसी टोटल संख्याएं हैं 100 से 200 के बीच जो 7 से पूरी पूरी विभाजित है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 700 के 30% के 15% का मान बताओ। तो बहुत ईजी है, 700 का 30% तो डायरेक्ट 700 काके की का मतलब गुणा होता है 30/100, फिर से काके की लिखा मतलब गुणा और 15% निकालेंगे मतलब 15/100 और यही वैल्यू हमें सॉल्व करके बताना है। नीचे में टोटल 4 जीरो है तो इन 4 जीरो से ये 3 जीरो कट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 15 3 45 होगा और 45 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में अभी एक जीरो और है, 7 5 35 कैरी 3 होगा, 7 चुकू 28 और 3 31, बटे में एक जीरो है तो इकाई तरफ से एक अंक के पहले दशमलव लगेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 31.5। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला IMP क्वेश्चन है, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलने पर एक लड़की की बस 7 मिनट देरी के कारण छूट जाती है, सामान्यतः वह बस स्टॉप तक पहुंचने में कितना समय लेती है। तो यहाँ पर आप जब भी क्वेश्चन आपसे कहे सामान्य चाल का x/y, तो जो बटे वाला मान होता है
वो हमेशा सामान्य चाल होता है। तो इसे सामान्य चाल का रेशो बना लो 6, और यह कहा गया कि सामान्य चाल का 5/4 से चलने पर, इसका मतलब चली गई चाल जो होगी वो ऊपर वाला मान होगा। तो चली गई चाल का जो रेशो बनेगा ऊपर वाला मान मतलब 5, तो ये तो चाल का रेशो हमने बना लिया, चाल का रेशो। अब क्या होता है, चाल का उल्टा अनुपात यानी 5:6, ये हमेशा समय का रेशो होता है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 7 मिनट देरी से पहुंच जाती है, मतलब समय का अंतर बताया। तो यहाँ पर रेशो में समय का अंतर कितना रेशो है, 1:1 है। 1:1 का मान 7 मिनट आया, और क्वेश्चन में यह कहा गया कि सामान्यतः वह बस स्टॉप तक पहुंचने में कितना समय लेती है। तो 1:1 का मान जो आया, सामान्य समय हमें बताना है, तो आप सामान्य समय के रेशो से 1:1 के मान का गुणा करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सामान्य समय आ जाएगा। समय आ जाएगा तो 1:1 का मान 7 है, 7 का गुणा सामान्य समय का अनुपात 5 है, तो 35 मिनट का टाइम वो बस लेगी। 35 मिनट ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में ढाला जाता है, तार की लंबाई बताना। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, जब कभी किसी गोले को पिघलाया जाता है, तो यहाँ पर गोले के तो फॉर्मूले के बारे में हमें पता है, और यहाँ बोला जा रहा है तार, तो तार हमेशा याद रखना, उसे जो ढाला जाएगा बेलन के शेप में ढाला जाता है। तार एक बेलनाकार मतलब आकृति होती है, तो इसलिए गोले का जो आयतन रहेगा वो तार के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर बेलन है, और ये जो लंबाई पूछा है, बेलन की ऊंचाई हमें लाना है, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे 4/3, और उसके बाद πr³, ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है, और बेलन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। अब यहाँ पर क्या होगा, पाई से पाई तो कट जाएगा, 4/3, उसके बाद गोले की त्रिज्या क्वेश्चन में हमें बताइए 9 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का क्यूब, क्यूब का मतलब इसका 3 बार गुणा हो जाएगा त्रिज्या का, और बराबर आर का स्क्वायर फिर से, तो बेलन की त्रिज्या का वर्ग करेंगे। बेलन की त्रिज्या क्वेश्चन में बताई है, मतलब तार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो 2^2 करेंगे मतलब 2 बार गुणा, और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई ही इसकी लंबाई होगी, याद रखें, तो ऊंचाई का मान लाना है, तो 2 × 2 ये 4 होगा, और बटे में आके 4 को काट देगा, 3 से ये 9 3 बार कटेगा, और 9 × 9 करेंगे तो 81 बनेगा, 81 का गुणा 3 से करेंगे, 3 × 3 और 3 × 8 = 24, यानी कि उस तार की जो लंबाई यानी बेलन की ऊंचाई 243 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का और इम्पोर्टेंट, 2 ट्रेनें ए और बी समान दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। यदि दोनों ट्रेनें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, तो 1 घंटे बाद उनके बीच की दूरी बताना है। तो दूरी बताना है, और दूरी का जो फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय होता है। अरे साथियों, चाल क्या रखेंगे, तो यहाँ पर समान डायरेक्शन में दो ट्रेनें अगर जाएं, तो याद रखना यहाँ पर चालें घट जाती हैं, इनकी चालें घट जाएगी, मतलब 60 − 40, तो यहाँ पर जो चाल बनेगी, सापेक्ष चाल जिसे कहते हैं, सापेक्ष चाल जो बनेगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। अब हमें लाना है दूरी, 1 घंटे में कितनी दूरी होगी दोनों के बीच, तो चाल हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 1 घंटा, इस प्रकार दोनों के बीच में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी होगी, 20 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर का, 30 विद्यार्थियों की माध्य औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर दी गई थी, बाद में यह पाया गया कि प्रेक्षणों में से एक को गलत तरीके से 121 सेंटीमीटर के रूप में कॉपी किया गया था, जबकि यह वास्तव में 134 सेंटीमीटर था, सही माध्य ऊंचाई क्या होगी। तो प्यारे साथियों, सही माध्य ऊंचाई का मतलब यह होता है सही औसत बताओ, माध्य एक तरह से औसत होता है, तो हमें सही औसत लाना है, और औसत लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
आंकड़ों का योग, और योग जो रहेगा वो सही योग करना पड़ेगा, बटे में आंकड़ों की संख्या। तो पहले हम लोग जो त्रुटि हुई है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो योग है उसमें त्रुटि को सुधार लेंगे। तो सबसे पहले आंकड़ों का योग लाएंगे। औसत के केस में आंकड़ों का योग अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, आंकड़ों की संख्या गुणा आंकड़ों का औसत। औसत दिया 140 और आंकड़ों की संख्या है 30, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, योग लाना पड़ेगा। यहाँ पर 0 0 और 3 का भाग, 4 से 3 चुक 12, कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4200 योग आया। क्वेश्चन में ये बोला 121 की जगह 121 लिखा गया 134 की जगह, लिखना तो 134 था इस योग में लेकिन 121 लिख दिया। तो सिर्फ जो त्रुटि हुई है उतना समझ लो, 121 यानी कम लिख दिया, लिखना ज्यादा था तो अपन क्या करेंगे, ज्यादा लिखना था, कितना ज्यादा, तो 134 में से हम 121 को घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3, 3 में 2 गया 13, और ज्यादा लिखना था मतलब जो योग था उसमें 13 की कमी है, तो इसमें क्या करेंगे 13 और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सही योग बनेगा हमारे पास 3 और 1 और उसके बाद में 4213, ये क्या आया हमारे पास, सही योग आया। अब क्या करेंगे, सही औसत निकाल देंगे, तो सही योग को बटे के ऊपर लिखेंगे यानी 4213 और सही संख्या, आंकड़ों की संख्या तो वही 30 ही रहेगी। बस यहाँ पर 3 से काटो, 3 नाम 30 होगा, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चुक 12 और यहाँ पर 0 लगाकर 3 चुक 12 फिर से 4 बार भाग जाएगा, 1 बचा, और दशमलव लगा देंगे तो 10 बन जाएगा, 3 3 9, बटे में 1 0 और है तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, 1 और इधर लेफ्ट साइड, तो 140.43 सही औसत है। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ समझ में आ रहा होगा, गोले से पुनः गोले ही बनाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बड़े गोले का जो आयतन होगा, आप क्या करो छोटे गोले के आयतन का उसमें भाग लगा दो, ये छोटे गोले के आयतन का क्या लगा दो, भाग। तो बड़े गोले का आयतन कैसे निकालोगे आप, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और छोटे गोले के आयतन का उसमें भाग लगाएंगे तो 4/3 और पाई आर क्यूब। अब सिंपली यहाँ कुछ चीजें कट जाएंगी, जैसे पाई से पाई, 4/3 से 4/3, अब सिर्फ आर क्यूब। बड़े गोले की त्रिज्या, तो बड़े गोले की त्रिज्या बताया 24, इसका 3 बार गुणा करो, और इसी प्रकार छोटे गोले की त्रिज्या का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर 3 बार छोटे गोले की त्रिज्या का गुणा होगा यानी 3 का, 3 आठे होता है 24, फिर 3 आठे होता है 24, एक और 3 से कटेगा 8 बार में। अब 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अठैया 64, 64 गुणा 8 करेंगे, 8 चुक 32, कैरी 3, 8 छंग 48 और 3 51, 8 का क्यूब 512 होता है। तो कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, तो याद रखिएगा 512, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे प्रतिदिन की भांति आज भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद प्रतिदिन क्लास को देखने के बाद एक बार और अपने मन से पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करके अपने मन से प्रैक्टिस जरूर किया करें आप लोग, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें यदि आपको सीखने में थोड़ा भी कुछ मिल रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।